बेस तो डाल दिए हैं, तो अब हम इस पर हल्का सा ऑरिगैनो स्प्रिंकल करेंगे और हल्का सा नमक स्प्रिंकल करेंगे। अब हम इसे कढ़ाई में रखेंगे। कढ़ाई में हमने नमक डाल रखा है। अब इस थाली को हम कढ़ाई में रखेंगे और इसे 30-35 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। ये तो हमारा कढ़ाई में पिज्जा बना, तो अब चले ओवन में बनाने। वैसे ही हम पिज्जा बेस बना लेंगे। पिज्जा बेस पे टोमेटो केचप लगा दे या फिर पिज्जा सॉस लगा दे। टॉपिंग के लिए शिमला मिर्च और टमाटो और प्याज डाल दे। फिर हल्का सा नमक स्प्रिंकल कर दे, ऑरिगैनो स्प्रिंकल कर दे। अब हम इसे चीज डाल देंगे, इसको अच्छे से फैला दे। इसे हम ओवन में बना रहे हैं, तो ओवन मेरा प्री हीट हो चुका है, तो अब हम इसे ओवन में 20 मिनट्स के लिए रख देंगे। ओवन में हमें पिज्जा को रख दिए हैं, तो अब चले कढ़ाई वाले पिज्जा को चेक करने। कढ़ाई वाले पिज्जा को रखे हुए 30-35 मिनट्स हो गया है, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। पिज्जा हमारा रेडी हो चुका है, तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। देखिए हमारा होममेड पिज्जा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम ओवन वाले पिज्जा चेक कर लेते हैं। ओवन में पिज्जा रखे हुए 20 मिनट्स हो गया, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये भी मार्केट की तरह पिज्जा बिल्कुल रेडी है, तो अब हमें इसे भी पिज्जा कटर से कट कर लेना है। ये देखिए पिज्जा बिल्कुल रेडी हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।